आप 30 बाई 40 में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी 1200 फुट स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मकान का, सिंगल स्टोरी में, कोई भी लेवल पे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे, उसका थोड़ा सा कास्ट में फ़र्क आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप ये एस्टिमेट लगाना चाहते हैं कि इसके लिए मुझे कितना बजट चाहिए होगा, कितनी कास्ट आएगी, ताकि मैं उस हिसाब से पेमेंट का या फंड का अरेंजमेंट कर सकूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इसमें क्या निकाल के देने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन कास्ट फॉर एनी एरिया, यानी कोई भी एरिया हो जिसके लिए आपको कास्ट निकालनी है, उस एरिया के लिए आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट इस वीडियो से, आप जो भी एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे उससे आप निकाल सकते हैं किसी भी एरिया के लिए। आपको सिर्फ एरिया की एंट्री करनी है, आपका इनपुट रहेगा सिर्फ एरिया, और कुछ भी आपको नहीं देना है। अप्रोक्सीमेट थंब रूल बेसिस पे ये कास्टिंग अपने आप निकल के आपको पास आ जाएगी। इसी तरह से सिंगल क्लिक में आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और इसकी जो एक्सेल शीट है वो फ्री में आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाली है। इतना सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आप एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सारा कैलकुलेशन एक्सेल प्रोग्राम से कैसे होता है। ये एक्सेल प्रोग्राम है, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ काम अपने आप करेगा। आपको जो इनपुट देना है वो इनपुट देना है एरिया, आप कंस्ट्रक्शन कितना आप करने वाले हैं। यहां हम ले रहे हैं 1200 स्क्वायर फुट का एरिया आप कंस्ट्रक्शन, जो है 111.48, यानी 111.48 स्क्वायर मीटर के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 10.764 का डिवीजन कर दिया है स्क्वायर फुट में, तो आपको स्क्वायर मीटर में एरिया मिल गया है। आपके पास यदि एरिया स्क्वायर फुट में है तो आप यहाँ एंटर कर दीजिए, इस एरिया यदि आपके पास स्क्वायर मीटर में है तो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। बाकी का जो, जैसे ही आप एरिया एंटर करेंगे तो आपको इमिडिएटली ये आउटपुट आने वाला है। कंस्ट्रक्शन कास्ट की जो समरी मिलेगी वो आपको इस तरह से मिलेगी कि आपको सब टोटल फॉर स्ट्रक्चर में कितना खर्च आएगा, फिनिशिंग में कितना खर्च आएगा, और वुड वर्क, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इन सारे बाकी की चीज़ों में कितना अप्रोक्सीमेट खर्च आने वाला है, और टोटल खर्च आपको कितना आने वाला है। आपको खर्च जो ना पर स्क्वायर मीटर में मिलेगा, पर स्क्वायर फुट में मिलेगा। एरिया आप कंस्ट्रक्शन तो आपने स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर में है ही है, तो कंस्ट्रक्शन कास्ट भी आपको रुपीज में भी मिलेगी और लैक्स में भी मिलेगी। तो अब ये करते कैसे हैं, इसका डिटेल कास्ट कैलकुलेशन देखते हैं। बड़ा सिंपल सा और बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट है। एवरेज ए रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर यूनिट एरिया फॉर ए नॉर्मल हाउस ऑन थंब रूल बेसिस फॉर 1 स्क्वायर मीटर, यानी हम 1 स्क्वायर मीटर के लिए पहले कंस्ट्रक्शन कास्ट निकालते हैं, जिसमें हमने कंक्रीट M25 लिया है 0.3 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर, 5000 रुपये इसका पर यूनिट का रेट है, तो पर 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 139 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर फीट इसका कंक्रीट का अमाउंट आएगा। स्टील इनफोर्स हमने 30 30 kg लिया है 55 रुपये के रेट से, 1650 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 153 रुपये 30 पैसे पर स्क्वायर फीट। शटरिंग या फार्म वर्क हमने 2 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन लिया है। इसका मतलब ये है कि जब आप 1 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लगभग आपको डबल एरिया के बराबर शटरिंग का पैमाइश देनी पड़ती है, शटरिंग लगती है, बीम है, स्लैब है, कॉलम है, इन सबको, फुटिंग वगैरह को सबको मिला के 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर का यदि हम रेट लेते हैं तो ये 600 रुपये पर स्क्वायर मीटर आएगा, और 55.7 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगा शटरिंग का। क्योरिंग का लमसम लिया है 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर, तो ये 23 रुपये 20 पैसे पर स्क्वायर फुट आ रहा है। सब टोटल यदि हम स्ट्रक्चर का कर दें तो 4000 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 371 रुपये 60 पैसे पर स्क्वायर फुट। ध्यान ये रहे कि इस स्ट्रक्चर में ना तो प्लास्टर है, ना ब्रिक वर्क है, ना आपका फ्लोरिंग है, कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो आप स्ट्रक्चर लेवल तक का
बजट इससे आप से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के अलावा अर्थवर्क, अर्थवर्क में आपका 150 रुपये पर क्यूबिक मीटर कास्ट लेने से 1.5 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन से 225 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 20 रुपये 90 पैसे पर स्क्वायर फीट कास्ट आए। PCC 148.05 क्यूबिक मीटर 4500 रुपये के रेट से 225 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 20 रुपये 90 पैसे पर स्क्वायर फीट। ब्रिक वर्क 1/6 के मोर्टर में हमने लिया है 0.8 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन आ रहा है और 3500 रुपये यदि इसकी रेट लेते हैं तो 2800 रुपये पर स्क्वायर मीटर हमें पड़ रहा है या फिर 260 रुपये 10 पैसे पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है। प्लास्टर हम 1:6 का यदि मोर्टर में लेते हैं तो 3.5 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन आएगा। ये क्यूबिक मीटर गलत लिखा है, स्क्वायर मीटर कर देते हैं। और 300 रुपये के रेट से पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यदि लेते हैं तो इसको 250 या फिर 97.5 पर स्क्वायर फीट आएगा। पेंटिंग का हमने 3.5 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर आया है और 300 रुपये का यदि रेट लेते हैं तो ये भी 97.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आएगा। टाइल्स फ्लोरिंग का 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर लिया है तो 1200 रुपये के हिसाब से 111 रुपये 50 पैसे टाइल्स का फ्लोरिंग का रेट आया। वाटर प्रूफिंग का आया आपका 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 27.9 पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से फिनिशिंग आइटम्स का हमारा 6850 पर स्क्वायर मीटर या 636 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपका फिनिशिंग का कास्ट पड़ा। फिनिशिंग में ये सारे आइटम्स इंक्लूड हैं। अब वुडवर्क में आ जाइए। वुडवर्क हमने लिया है 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर तो 111.5 और किचन का वुडवर्क और अलमीराज वगैरह का लिया है, ये डोर विंडोज़ का वुडवर्क था, ये भी 1200 रुपये से पकड़ा है तो 111 रुपये 50 पैसे ये आया। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट फिटिंग स्विच सॉकेट वगैरह का रेट आया है आपका इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को मिला के 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तो 92.9 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और प्लम्बिंग सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह का आ गया आपका 139 रुपये 40 पैसे पर फीट। तो वुडन इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वगैरह का खर्चा आ गया आपका 4900 पर स्क्वायर मीटर या फिर 455.2 पर स्क्वायर फीट। और टोटल कास्ट पर स्क्वायर मीटर आया 15750 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 1463.2 पर स्क्वायर फुट। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस एरिया से तो हमारे पास ये टोटल कास्ट आ गई। और ये टोटल कास्ट आ जाएगी हमारे पास कि हमें पैसा लग रहा है 4.46 लाख लग रहा है सब स्ट्रक्चर में, फिनिशिंग में लग रहा है 7.64 और वुडवर्क प्लम्बिंग वगैरह में लग रहा है 5.46 लाख। तो 17.56 लाख का खर्चा आएगा यदि हम 1200 स्क्वायर फुट या 111.48 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं अप टू फिनिशिंग। इसमें लेबर वगैरह मटेरियल का सारा रेट इंक्लूडेड है, आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। बाकी इसके अलावा आपके कंसल्टेंट्स की यदि कोई फ़ी हो, आर्किटेक्ट की कोई फ़ी हो या और दूसरे कोई खर्चे हो वो आप इसमें जोड़ लीजिए। कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी अप्रोक्सीमेटली ये बैठेगी। तो ये था आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट के बारे में वीडियो, आशा है आपको पसंद आया होगा।